सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको राउंड कॉलर नेक के साथ एक डिजाइन बनाना बताऊंगी। जैसे कि हमारा ऐसे राउंड कॉलर बनेगा और नीचे हम इस तरह ड्रॉप शेप का एक नेक बनाएंगे। इसीलिए मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है और पहले हम गले की ब्रॉडनेस लगाएंगे। गले की ब्रॉडनेस हमने 3 इंच लगानी है और जो गले की डीपनेस है हम 3.5 लगाएंगे। अगर आपने गला स्टैंड बनाना है, कॉलर स्टैंड पे बनाना है तो आप 3.5 कर लीजिए। अगर आपने कॉलर नीचे तक बैठने वाला बिठाना है, या एक तो ऐसे होता है इस तरह, ये होएगा स्टैंड कॉलर, बिल्कुल आपकी गर्दन के साथ साथ खड़ा रहेगा। अगर आप यहां से कट करोगे ये नीचे नीचे बैठा रहेगा गर्दन के साथ साथ। तो आज मैं स्टैंड कॉलर बना रही हूं। यहां से हम 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इसकी गुलाई कट कर लेंगे। इस तरह हमने इसकी गुलाई कट कर ली। अब जो गले की डीपनेस है वो हमने देखनी है कितनी रखनी है। 3.5 तो हमने ये रख ली है जो कटिंग करी है, ये हम 8 इंच नीचे रखेंगे। तो 8 इंच तक हमने इसका डिजाइन बनाना है। अब मैंने ये बुकरम ली है, बुकरम की चौड़ाई 3.5 इंच है एक साइड से और ये 7 इंच चौड़ी है बुकरम। तो अब हम इसे इस तरह रख लेंगे। ये हमारी यहां पे गला आ रहा है, ये गला हमारा यहां पे आ रहा है निशान। अब हम इसको मार्क करेंगे। अब हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे यहां पे, 2.5 इंच का यहां लगा लेंगे और यहां पे नापेंगे कितना है। ये हमारा 4.5 इंच है तो 4.5 इंच का हम गला कट कर लेंगे। यहां पे ये निशान लगा लिया, ये 2.5 का यहां लग गया और 2.5 और इसको मैच करके एक बॉक्स बन जाएगा। ये बॉक्स बन गया। अब हमने इसके अंदर शेप लगानी है। यहां पे 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है हमने। यहां पे हम लुप्पी लगा के बटन लगाएंगे और इसको थोड़ा सा तीखा कर देंगे यहां से थोड़ा सा, इस तरह। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। पहले यहां से थोड़ा सा काट लेंगे। ये इस तरह कट गया। अब ये वाली शेप इस तरह कट कर देंगे और ये हमने 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये इस तरह हो गया। मैं उठा के दिखाती हूँ क्योंकि हमारा सरफेस व्हाइट है तो थोड़ा नजर आने में, ये देखिए इस तरह हो जाएगा ये। अब इसको हम पहले कपड़े पे अटैच कर लेंगे। अब हम इसे कपड़े पे अटैच करेंगे। इस तरह हमने ये बीच वाला जो स्पेस है ये रखना है। अब हम इसे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के इस तरह कट कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरह फोल्ड हो गया। अब हम इसे इस तरह रखेंगे और इस पे ऊपर सेंटर का निशान बना लेंगे। पहले इस तरह सेंटर का निशान बना लिया और यहां पे भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे और ये इस तरह लाइन बना लेंगे। ये देखिए ये इस तरह आ गया। अब हम इसे कपड़े पे जो गला ये बनाया है हम इसको शर्ट के ऊपर बनाएंगे। अब हम इसे शर्ट पे अटैच करेंगे। ये देखिए यहां से हमने नीचे से इसको मिला लेना है। ये सेंटर हमने यहाँ पे इस तरह रख लिया और यहां पे चाहे आप एक पिन लगा सकते हो और यहां से सेंटर मिला के इसको सिलना शुरू करेंगे। पहले हम बीच वाली सिलाई लगा लेंगे। मैं
अब हम यहाँ पे सेंटर पे रख के इसको बीच की सिलाई लगा लेंगे पहले। अब इसी तरह इस साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिलाई हमारी लग गई है। अब हमने इसको इसके बीच में से इस तरह कट कर देना। अब हमने इसके इस तरह कर्स लगाने हैं गुलाई में, साड़ी में। अब इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस तरह यहां पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे गले का इस तरह ड्रॉप बन गया है। अब हम इसे एक बार पक्की सिलाई लगा देंगे। इस तरह हो गया ये। अब हम इसकी पहले शोल्डर अटैच करेंगे दूसरे बैक वाले पल्ले से। ये शोल्डर हमारे अटैच हो गए हैं। अब हमने पीछे वाले गले में बिल्कुल थोड़ी सी काट डालनी है। इस तरह हम 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे और ये गले की जो शेप है हमारी इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह हमने 1.25 इंच की इस तरह पीछे काट डाल दी है। अब हम इसका वैन का जो कॉलर बनना है उसकी लेंथ नापेंगे कितना लंबा बनना है। इसे पहले हम इस तरह रख लेंगे। यहां से अब हम इसे नापेंगे कि हमारा कॉलर कितना लंबा बनेगा। बिल्कुल कपड़े को खींचना नहीं है, ढीले हाथ से इस तरह नापना है। ये हमारा 18.5 इंच का कॉलर बनेगा। ये 9.25 इंच आया है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग करने के लिए मैंने बुकरम की चौड़ाई ली है 5 इंच और जो लंबाई है मैंने इसको डबल कर लिया है। ये हमारी 7 इंच है तो इसको मैंने ये देखिए इससे डबल किया हुआ है। ये 14 इंच की लंबाई हो गई इसकी। तो यहाँ पे अब हम पहले 6 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह और ऊपर की तरफ लगाएंगे हम 3 इंच का निशान। ये जो है राउंड कॉलर बन रहा है तो इसको हमने अच्छी तरह राउंड शेप देनी है। ये यहाँ पे 3 इंच का निशान लगेगा। अब यहाँ पे ये वाला निशान हम मैच कर देंगे। ये हमारा एक बॉक्स बन गया। अब हमने यहाँ से गुलाई देनी है इसकी। ये यहाँ पे हमने पहले 3.5 इंच छोड़ देना है। ये 3.5 इंच छोड़ दिया और यहाँ के बाद अब गुलाई देनी शुरू करेंगे। ये देखिए ये हमने इस तरह गुलाई दे दी इसकी। अब हमने जो कॉलर बनाना है, अगर तो आप स्टैंड कॉलर बना रहे हो तो ये कॉलर बनेगा 1.25 इंच का। अगर बना रहे हो आप बिल्कुल गले के साथ लगने वाला तो 1 इंच बनेगा। ये अब हम 1.25 इंच बना लेंगे। अब हमने पूरे गले में इस तरह 1.25 इंच का निशान लगा लेना है। ये हमारा निशान हो गया। अब हमने इस तरह गुलाई दे देनी है इसको।
ये जो पट्टी है कॉलर की, ये हमने बिल्कुल एक एक मतलब बराबर काटनी है। अब ये हमारी इस तरह शेप लग गई है। अब हमने कॉलर नापना है कि हमारा कॉलर बनेगा 18.5 इंच, ये पूरा है कि नहीं है। तो अब हमने यहां से नापना है इसको बाहर वाली साइड से। अगर हमारा ये बढ़ जाएगा तो हम यहां से कट कर देंगे। ये 20 इंच है तो अब हमने इसका निशान लगा लेना 18.5 पे। यहां से नापेंगे इसको, ये यहां पे आ गया। अब हमने इसको यहां कट करना है। अब पहले अंदर वाला हिस्सा काट देंगे। अब फिर हम बाहर वाला कट करेंगे। अब ये नीचे वाला हिस्सा हमारा यहां पे, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। यहां हमने अटैच करना है, ये ऊपर वाला हिस्सा रहेगा। अब हम यहां से इसको लगा के ऊपर थोड़ी सी गोलाई दे देंगे इस तरह। अब ये हमारा राउंड कॉलर कट गया। अब हम इसे कपड़े पे बनाएंगे। हमने इस कॉलर को कपड़े पे अटैच करना है। नॉर्मली मैं तो इस तरह इसको सिलाई लगा के अटैच कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक भी बता रही हूँ। अगर आपने इसको अच्छी तरह अटैच करना है और ये कपड़ा हिल भी सकता है, तो पहले आपने यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे यहाँ पे तीन जगह पिन लगा लेने। ये इस तरह अब हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल अब फिक्स हो गया है, अब कहीं से भी हिलेगा नहीं जब हम सिलाई करेंगे। तो हम यहाँ पे सिलना शुरू करेंगे। इसे हमने जिस तरह की गोलाई आई है उसी तरह गोलाई में सिलना है। यहां से थोड़ा सा धीरे धीरे सिलेंगे। जो सिलाई है हमारी हम बुकरम पे लगाएंगे। ये पिन हटा देंगे अब यहां से। यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई डबल और अब इस सिलाई को हम यहां से कट कर देंगे। अब हमने पहले इसको पहले ऊपर से कट कर लेना। अब पिन हटा के अब हम नीचे से कट करेंगे। ये हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे यहां से। अब हमने ये वाला हिस्सा है जो हमारा नीचे वाला, इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये इस तरह आ गया। अब हमने एक साइड तो कपड़ा हमारा हो गया, अब इस साइड हमने कपड़ा लगाना है। अब इसको इस कपड़े के ऊपर रखेंगे। यहां पे मेरा थोड़ा कपड़ा कम था, मैंने यहाँ पे जोड़ लगाया है। ये जोड़ आप लगा सकते हो क्योंकि ये अंदर की साइड आना है, हमारा बाहर वाला हिस्सा ये है। अब थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के 1/2 इंच इसको इसी तरह सिलेंगे जैसे हमने पहले सिला था। पहले ऊपर वाला हिस्सा काट लेंगे, बिल्कुल उसी कपड़े के बराबर काट लीजिए जो हमने पहले कट किया था। अब हमने नीचे से
कपड़ा उसी तरह छोड़ना है जिस तरह पहले छोड़ा था, आधा इंच के करीब। अब ये कॉलर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इसे इस तरह पलटी करके अंदर की तरफ इसे प्रेस करना है। इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, सिलाई हम बाद में लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। अब इसे इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर पहले अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। अब ये देखिए, ये प्रेस करने के बाद कॉलर हमारा बिल्कुल फिनिशिंग में आ गया है इस तरह। और अब हम इसे अटैच करेंगे। मैंने ये शर्ट का जो बैक साइड लिया है, ये उल्टी साइड ली है शर्ट की, और ये हमारा कॉलर इस तरह रखेंगे हम। इस तरह रख के यहां से सिलना शुरू करेंगे, इस तरह रखेंगे और यहां से थोड़ी सी सिलाई डबल करेंगे और सिलना शुरू करेंगे। आपने क्या करना है कि कॉलर में सेंटर का निशान लगा लेना है और शर्ट में भी आपने सेंटर का निशान लगा लेना है, फिर आपको कॉलर छोटा बड़ा होने की दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये सेंटर से सेंटर आ गया। ये देखिए, यहाँ पे अब हमने इसको कॉर्नर में लाके बिल्कुल अच्छी तरह सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई डबल करेंगे और सिलाई काट देंगे। अब हमने इस तरह करना है इसको, ये जो है हमारा ये वाला एज है इसको अंदर डालेंगे, धागे काट देंगे एक्स्ट्रा जो भी है, इसको अंदर डालेंगे इसके बिल्कुल इस तरह, और यहां पे सिलाई लगानी शुरू करेंगे। कहीं से भी आपने सिलाई शुरू करनी है तो सिलाई थोड़ी सी डबल करनी है, नहीं तो ये खुल जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं हमारे, ये सारे हमने अंदर की तरफ डाल देने हैं और इसकी फिनिशिंग करके सिलाई लगानी है। ये देखिए, जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं ये सारे काट देंगे और इन्हें इस तरह अंदर की तरफ डाल के अच्छी तरह सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ी सी सिलाई मैंने डबल की है। अब ये यहां से हटाएंगे इसको। अब ये हमारा गला रेडी हो गया है। मैं इसको सीधा करके शर्ट फिर आपको दिखाती हूँ। ये अब गला हमारा इस तरह रेडी हो गया है। मैं यहाँ पे एक लूप और यहाँ पे बटन लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब हमारा गला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसमें बटन भी लगा दिया है और एक लूप भी यहाँ पे लगा दिया है। मैं अब इसको पहन के आपको दिखा सकती हूँ। अब ये देखिए, ये गला मैंने आपको पहन के दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल अच्छी तरह बना है और गले के साथ बिल्कुल अटैच है। ये स्टैंड कॉलर है, ये देख लीजिए, और ये बिल्कुल फिनिशिंग से बनकर रेडी हो गया है। अभी मैंने इसकी साइड की सिलाई नहीं लगाई है, ये अभी खुला है तो इसलिए ये थोड़ा सा ढीला यहाँ से लग रहा है। बाकी गला बिल्कुल बहुत अच्छी तरह बना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।